पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र में छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। क्षेत्र में संजय जलाशय, बंगदून तालाब, बोकनेश्वर महादेव मंदिर जलाशय, सागर कुटी और इंडोरमा तालाब आदि स्थानों पर कृत्रिम जलाशय बनाकर भी छठ पूजा की गई। छठ पूजा में श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देने राजनेता भी पहुंचे। क्षेत्र में छठ महापर्व के तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को व्रतियों ने अर्घ दिया। इसे संध्या अर्घ भी कहा जाता है। उगते सूर्य को अर्घ देने की रीति तो कई व्रतों और त्योहारों में है। डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा केवल छठ पर्व पर ही है। अर्घ देने से पहले बांस की टोकरी को फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू और पूजा के सामान से सजाया जाता है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा होती है और फिर डूबते सूर्य देव को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा की जाती है। ज्योतिषियों का कहना है कि ढलते सूर्य को अर्घ देकर कई मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। नगर पालिका अध्यक्ष कविता संजय वैष्णव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र पटेल, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष कविता प्रदीप द्विवेदी आदि समाज सेवी बधाई देने पहुंचे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। कि आप जानते हैं कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर भारतीय और पूर्वांचल के लोग अधिक निवास करते हैं और छठ महापर्व का एक बड़ा आयोजन रहता है साल में। लेकिन इस बार जो है कोरोना काल जो है पूरे देश में फैला हुआ, दिल्ली में जैसे कि सरकार ने वहां बैन कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने जो है यहां इजाजत दी है, इस पर आपका क्या संदेश रहेगा? देखो दीपक भाई, हम हर त्यौहार बड़े उत्साह से मनाते हैं। पीथमपुर में हम आप उत्तर भारतीय संघ ही ना बोले, यहाँ के जितने भी लोग हैं सब बड़े उससे उत्साह के साथ ये छठ पर्व मनाते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने आए हैं। और देखा होगा आपने, सबने लगभग मास्क लगाए हैं और 2 गज की दूरी है जरूरी, इस नियम का पालन किया है। तो कोरोना काल में सभी ने 2 गज की दूरी और मास्क लगा के ही अर्घ दिया है। और हम हर त्यौहार यहाँ पे मिलजुल के मनाते हैं, ना कि उत्तर भारतीय संघ, हम यहाँ पे सब एक समूह के रूप में, परिवार के रूप में मनाते हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपको एक मतदाता का जो है विधानसभा दिया था, उसमें आपने एक भारी बहुमत से जीत हासिल करी, वहाँ करवाई है, तो यहाँ की जनता भी ये चाहती है कि एक सूर्य देव की क्यों ना यहाँ मंदिर बने, तो क्या आप भी यहाँ की जनता के लिए कुछ प्रयास करेंगे जिससे कि मंदिर बने? भाई मैं, हमारा प्रयास मतलब हमेशा रहा है कि यहाँ पे मंदिर बने, पर आप देखेंगे कि अगला जब यहाँ पे छठ पर्व का पर्व मने तो यहाँ पे उस मंदिर में, सूर्य भगवान के मंदिर में ही सब अर्घ देंगे और दर्शन करके ही जाएंगे। क्योंकि छठ पूजा ही नहीं, हमेशा हम चाहते हैं कि रोज यहाँ लोग आए और दर्शन करें सूर्य भगवान का। तो बहुत जल्दी यहाँ पे मंदिर बनेगा और अगला पर्व आप देखेंगे, आप भी यहीं होंगे, हम भी यहाँ होंगे, हम प्रयास करके यहाँ बहुत एक भव्य मंदिर बनाएंगे। और क्या संदेश रहेगा आपको छठ पर्व के पूजन के अवसर पर? आज अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया, अगर पूजा अर्चना की गई है, सुबह उठते हुए सूर्य के साथ छठ माई पर्व का समापन होगा। छठ माँ के पर्व के ऊपर संपूर्ण भारतवर्ष में सुख समृद्धि फैले और जो हमारे देश पर विपत्ति आई है, कोरोना की वैश्विक महामारी आई है, उससे भी हमें निदान मिले, ये छठ माई से हम प्रार्थना करते हैं। और उत्तर भारतीय बंधुओं, भाइयों और बहनों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, माँ छठ माई उनके जीवन में उगते हुए सूर्य के समान पूरा जीवन प्रकाशमय करे। और छठ माई के अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। देवेंद्र पटेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।